आपका स्वागत है। मैं सुल्तान रिज़वी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दीवा इलाके में और यहाँ पर देखिए पुलिस जो है बड़ी ही मुस्तैदी से जो है लगी हुई है। और आज जो है सीपी साहब ने विजिट भी किया था मुमरा का और लोगों को सख्त हिदायत दी थी पुलिस कर्मियों को, और जो इधर उधर घूम रहे थे उनको भी सख्त जो है सख्ती से पेश आए कि जो भी जो है मतलब सड़क पे घूमेगा उसके साथ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुमरा को देखते हुए देखिए दीवा में पूरी तरीके से सन्नाटा है, कहीं भी आदमी नहीं दिख रहे हैं और पुलिस कर्मी यहाँ पर जो है ड्यूटी पर लगे हुए हैं। और इसमें लेडीज पुलिस भी है, महिला पुलिस भी है, जेंट्स पुलिस भी है और अधिकारी भी हैं। सब बहुत ही मुस्तैदी से लगे हुए हैं, बहुत ही सख्ती के साथ मेहनत से ड्यूटी कर रहे हैं। ना ये टाइम पे खाना खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं और इनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है, सिर्फ इसलिए कि जनता को तकलीफ ना हो और लोग डिस्टेंस जो है अख्तियार करें, एकजुट ना हो, इसलिए जो है ये पुलिस प्रशासन लगी हुई है। लेकिन कुछ पब्लिक और नागरिक ऐसे हैं जो इस जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं और सड़कों पर निकल जाते हैं। आइए हम देखते हैं, इधर देखिए पूरा रोड एकदम से सन्नाटा है, कोई भी नहीं है, एक पब्लिक नहीं है। ये जो है पुलिस प्रशासन की ही देन है, ये पुलिस कर्मियों की ही देन है कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो एक भी पब्लिक नहीं दिख रही है। जो बहुत ही जिसको जो है इमरजेंसी है, जिसको दवा लेना है, डॉक्टर के पास जाना है, यह बहुत ही अति आवश्यक है, वो सड़क पर निकल रहे हैं। और मधुकरकर साहब जो है सीनियर इंस्पेक्टर हैं मुमरा पुलिस स्टेशन के, ये उनके मार्गदर्शन में ये लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ड्यूटी दे रहे हैं। सुल्तान रिज़वी, ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़।